Good morning children. So today we are going to learn about types of decimals or comparing the decimals. Okay. So first of all we will do equivalent decimals. तो बेटा देखो हमने ये क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है तो हम देखेंगे कि कैसे देखेंगे कि ये इक्वलेंट मीन इक्वल है या नहीं है. जैसे हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन किया था ना कि जिसकी वैल्यूज तो डिफरेंट होती है बट जो आंसर आता है वो सेम आता है, ऐसे ही है ये इक्वलेंट डेसिमल. दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, दिस इज डेसिमल. हमने चेक करना, दिस इज ए क्वेश्चन. देखो कैसे है, 0.7 0.7 0.700. ओके, तो देखना है कि क्या ये इक्वल है. देखने में तो ये बड़ा लग रहा है ना, ये छोटा, बट ये सारे इक्वल एंड डेसिमल्स में आते हैं. देखो कैसे, 0.7 का मतलब क्या होता है, 7/10. हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो. एंड 70 मीन्स डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, देखो 2, तो नीचे आ जाएगा 100. अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0 से 0 कट गया तो क्या रह गया, 7/10. इधर भी 700 / 1, 2, 3 0 है ना, तो ये भी क्या आएगा, अगर मैं इसको काट दूँ क्या रह जाएगा, 7/10. ठीक है, तो फिर क्या है, देखो जी हमारे तीनों क्या आए, सेम आ रहे ना, तो हम कह सकते हैं कि 7/10, 70/100, 700/1000, ये जो तीनों है वो क्या है, दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन. तो बेटा ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वलेंट डेसिमल, सॉरी डेसिमल्स है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज इक्वलेंट डेसिमल्स. तो हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर कोई भी जीरो हम ऐड करते हैं ना किसी डेसिमल के बाद, देखो जहाँ पे 7 तो सेम है सब में, एक ही डेसिमल प्लेस है ना, फर्स्ट वाला, टेंथ वाला, ये देखो उसको जहाँ पे कोई जीरो नहीं थी, जहाँ पे 1 0, जहाँ पे 2 0, अगर जहाँ पे 4 0 भी होती ना तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डेसिमल के बाद डिजिट है ना वो सबका सेम है. ठीक है, पीछे चाहे जितनी भी जीरोज होती, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है. ये देखो, इफ़ वी ऐड जीरोज आफ्टर द लास्ट डेसिमल डिजिट द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज, तो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी. देखो जहाँ पे ये डिजिट है सेम होना चाहिए, उसके बाद चाहे जितनी भी जीरोज ऐड कर दो, चाहे आप जहाँ पे 10 0 ऐड करते फिर भी वो सेम ही होता है, क्योंकि ये वाला है ना मेन पॉइंट के बाद वो हमारा सेम होना चाहिए नंबर. ठीक है, दिस इज इक्वलेंट फ्रैक्शंस. ओके, सॉरी नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, दिस इज इक्वलेंट डेसिमल्स. ओके, मेरे मुंह से बार बार स्किप हो रहा है बेटा, ये डेसिमल्स है, फ्रैक्शन नहीं है, दीज आर इक्वलेंट डेसिमल्स. ओके, तो बेटा आगे हम देखेंगे लाइक डेसिमल्स क्या है. जैसे लाइक फ्रैक्शन था ना जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, ऐसे ये है लाइक डेसिमल. तो इसमें क्या देखना हमने, इसमें हमने देखो डेसिमल है तो हमने डेसिमल प्लेस देखना ना, इसमें हमने ये नहीं देखना कि जो लास्ट का पॉइंट है ना वो सेम ना हो, बट प्लेस सेम, प्लेस एक ही होना चाहिए. जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे 4.1 है, ये 10th प्लेस पे 1 है, 9 भी 10th प्लेस पे है, 7 भी, कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो, तो सॉरी एक ही डिजिट हो, चाहे फिर 2 हो या फिर 3 हो, वो सेम होने चाहिए. ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.52, दो डिजिट हैं पॉइंट के बाद, दो प्लेस हैं, जहाँ भी दो प्लेस हैं जहाँ भी दो प्लेस हैं, तो ये भी क्या है, लाइक डाइक डेसिमल. अगर मान लो मैं जहाँ लिख दूँ 1.7 एंड 2.35 9.625, क्या ये हमारा लाइक है, नो दिस इज नॉट ए लाइक. क्यों, क्योंकि जहाँ पे देखो 1 डेसिमल प्लेस है, जहाँ पे 2 हो गए यहाँ पे 3 हो गए. तो डेसिमल, लाइक डेसिमल की डेफिनेशन क्या हुई, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उनका जो डेसिमल प्लेसेस है वहाँ पे ये नहीं है कि आपका नंबर सेम हो कि जहाँ पे 7 है जहाँ पे 7 हो जहाँ पे 7 हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बस ये है कि आपका जो डेसिमल प्लेस है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग लोग हैं, बट सेम होना चाहिए. ठीक है, क्लियर बेटा. तो आपने ऐसे कुछ एग्जांपल और लिखनी है डेसिमल, लाइक डेसिमल्स की. ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट है आपका है अनलाइक डेसिमल. देखो अनलाइक, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में करके, वो अनलाइक ही था, जिसमें जो डेसिमल जो प्लेस होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, देखो जैसे जी 4.1, यहाँ पे 1 डेसिमल है, यहाँ पे 2 हो गया है ना, यहाँ पे 1 था 2, यहाँ पे 3 हो गया, ये क्या हो गया, अनलाइक. अगर हमारा डेसिमल प्लेस है वो सेम हो, जहाँ पे अगर 1 है जहाँ भी 1 होता है जहाँ भी 1 होता, तो वो लाइक बन जाता है, ये क्या है, अनलाइक है. और अब हमने करना है मेथड कि हमारे पास अगर अनलाइक है डेसिमल तो हमने इसको लाइक डेसिमल में कैसे बनाना है. ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके जो प्लेस है ना वो सेम करने पड़ेंगे. जहाँ पे 3 है तो जहाँ भी हमें 3 करने पड़ेंगे, तो क्या करूँ, मैं 1 0 लगा दूँ पीछे, जहाँ भी मैं 2 0 लगा दूँ, हो गया ना तीनों. ठीक है, तो इसका एक बेटा छोटा सा मेथड है. तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने ना उनमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा है. डेसिमल प्लेस मीन जो राइट साइड में पॉइंट के बाद नंबर है वो कौन सा है जो सबसे बड़ा है. ये देखो जैसे जिसमें ये है, ठीक है, फिर
उसको काउंट करो कितने हैं डेसिमल प्लेस, उसके बाद थ्री है ना, तो बाकियों को भी थ्री बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जीरो ऐड कर देंगे, इसमें जीरो ऐड करेंगे, इसमें टू जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड आउट द नंबर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देन ऐड जीरोस ऑन द एंड ऑफ द डेसिमल पार्ट टू मेक इट इक्वल टू द मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस नंबर। उसके बराबर बनाने के लिए उतनी ही पीछे जीरो ऐड कर दो, ठीक है। ये देखो जहाँ पे दो जीरो ऐड होगी, जहाँ पे वन, और जहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, तो जब क्या बन गया जी, कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा डेसिमल हुआ जी, दिस इज लाइक डेसिमल, बन गया ना लाइक। पहले क्या था अनलाइक, अब क्या हो गया लाइक। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो सबसे ज़्यादा 25 यहाँ पे भी है, 32 यहाँ पे भी, दो डेसिमल प्लेस है ना, यहाँ पे भी दो है, जहाँ पे भी दो है, बट हमें क्या चाहिए, इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसके पीछे एक जीरो ऐड कर देंगे। अब देखो तीनों की डेसिमल प्लेस सेम होगी ना, टू इसमें, टू इसमें, टू इसमें, तो ये क्या बन गया लाइक डेसिमल, ठीक है। ओके, वाई मेकिंग डेसिमल प्लेसेस इक्वल, हम उनके जो डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर देंगे, तो जो क्या बन जाएगा लाइक डेसिमल, ठीक है बेटे जी। अभी आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी, ऐसे ही अनलाइक डेसिमल से आपने लाइक डेसिमल में कैसे जाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, और ये कुछ कुछ एग्जाम्पल करोगे आप अपने आप ही, अनलाइक डेसिमल की एग्जाम्पल्स अपने आप दोगे और लाइक डेसिमल की, ठीक है बेटे जी। ओके, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी, इक्विवेलेंट सॉरी फ्रैक्शन इक्वल इक्विवेलेंट डेसिमल, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, एंड हाउ डू वी कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल्स, ठीक है बेटा जी। साई राम।